ये आप नज़र आ रही होगी गाय, ये तो सही जो गाय की स्मेल होती है, जो मज वाली स्मेल है, वो वही वाली है इस तरह जैसे पिंडों देहातों में होती है। तो उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज फ्रेश मिल्क लेने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक फार्म है, फार्म लाइक के, जिसमें आपको जो है वो फ्रेश दूध सब कुछ मिल जाता है। उतर है, मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा हिसाब लाना चेक करना। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे क्या सिस्टम होगा। जिस तरह पाकिस्तान में तो होता है, जाओ जी दूध ले आओ, तो जाके फिर उठे जाके जाते हैं, तो फिर उधर वो एक मौलवी साहब बैठे होते हैं और कहते हैं भाई साहब आज तो लगता है मज्जा चारा सही नहीं खाता था, पानी वाला दूध दे, मतलब पानी वाला दूध दे देते हैं। जिन्नी तेरी कात है उठे ना छोड़िया, तू मेरे लेवल दा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन से सूफी साहब होते हैं जो बैठे होंगे आगे वो कटोरा लेके। खुदा दा वास्ता है साड़ी जान छाड़ दियो। तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या सूफी साहब होते हैं या फिर सेल्फ सर्विस है, ऑटोमेशन यहाँ पे फ्रेश मिल्क पे भी है कि नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं फिर डेरे पे, जर्मनी के डेरे पे। अब्दुल्ला जी हम पहुँच चुके हैं फ्रेश जो है वो मिल्क लेने के लिए। तो ये सामने देख सकते हैं ये गाय अंदर काफ़ी ज़रा खड़ी हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, ये आप नज़र आ रही होगी गाय, ये तो सही। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। जो गाय की स्मेल होती है, जो मज वाली स्मेल है, वो वही वाली है इस तरह जैसे पिंडों देहातों में होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो समझ लें कि ये जर्मनी का डेरा है जहाँ से फ्रेश मिल्क मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह आप जो है ना वो मिल्क रिसीव करते हैं, किस तरह पेमेंट होती है और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। सो देखते हैं कि क्या चीज़ मिलती है। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फ्रेश बॉटल्स हैं जो कि हम घर से लेके आए हैं। सो देखें कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। अब इसमें ये जो सिक्के हैं वो एक साइड से इंटर किए और मेरे ख्याल में 1 यूरो का 1.5 लीटर दूध आता है। सो ये पूरी मशीन है जिसके थ्रू अभी जो है ना मिल्क अपनी बोतलों में खुद बंदा भरवा के लेके जा सकता है। सो ये जी अभी तकरीबन 1 यूरो डाला है, तो 1.5 लीटर की बोतल जो है ना वो फुल होते नजर आ रही है आपको। ये हमारी एक बोतल जो है ना वो फुल हो गई है, अब साथ ही 1.5 लीटर पूरा हो गया। अब 1 यूरो और डाला और यहाँ से स्टार्ट का बटन दबा दिया और ये दूसरी 1.5 लीटर वाली बोतल फिल होते हुए नज़र आ रही है। ये सारा जो है ना मिल्क की जगह है जहाँ से आप मिल्क फिल करते हैं, और ये साथ आपको जो है ना फ्रेश जो हनी होता है जिसे आप शहद करते हैं, तो इनके बकोल ये आपको जर्मन में होनिश नज़र आ रहा है जो 500 ग्राम, ये 6 यूरो और 50 सेंट का है। तो ये अगर आपने फ्रेश शहद लेना है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है जिस तरह फार्म का होता है, और ये कार्टोफुल होते हैं जिसे हम आलू कहते हैं। तो यहाँ पे आलू भी अवेलेबल हैं फ्रेश, और जो सबसे बेस्ट
थिंग है वो यहाँ के एग्स हैं. सो वेन एवर यू आर हेयर टू टेक द एग्स, सो एग्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर. इन है जिसमें आप कॉइन्स डालते हैं और जो ही आप कॉइन्स डालेंगे स्टार्ट करेंगे तो अगर आप 21 वाला बॉक्स देखें तो उसमें 3 यूरो डालेंगे तो आपको ये 21 वाला बॉक्स अंडे वाला जो है वो खुल जाएगा. सो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको जो है ना देसी तरीके से या फ्रेश मिलती हैं, वो एक आलू हो गया, अंडे हो गया, शहद हो गया और साथ साथ आपको मिल्क मिलता है. तो ये आपको यहाँ पे इजी अवेलेबल और सब कुछ ऑटोमेटेड है. मतलब यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये आपने सारा सेल्फ फैसिलिटेशन खुद करना होता है और अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें लेके जाते हैं. सो ये है सारा यहाँ का फ्रेश मिल्क और ये फ्रेश चीज़ें लेने का प्रोसेस. अल्हम्दुलिल्लाह दूध लेके घर पहुँच चुका हूँ और आपने देखा होगा कि क्या प्रोसेस था. और अगर इसी तरह की और वीडियोस आती रहेंगी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. आहा बहुत चंगा ना मैं मरना, तेरे को डर नहीं लगता? कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्या कह दिया मैंने, क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा. सो मैं आपको ऐसी ही यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है उस बारे में जो वीडियोस होंगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा वीकली बेसिस पे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो आज का व्लॉग यहाँ एंड होता है. तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अपना ख्याल रखिएगा.